हेलो दोस्तों, श्री मूड में आपका स्वागत है। बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार पुलिस 2019 के लिए हम लोग क्विक रिवीजन वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले जैन धर्म देख लिए, अभी बौद्ध धर्म का क्विक रिवीजन वीडियो देख लीजिए। 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको अच्छा खासा इसके बारे में जानकारी हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। जो जैन धर्म है, इसे श्रमणों का धर्म बोला जाता है, प्राचीन धर्म है बौद्ध धर्म की तरह ही। और जैन धर्म के संस्थापक जो है, ये पहले तीर्थंकर भी कहे जाते हैं। कौन है? तरिषभ देव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग ग्रंथों में इनका अलग अलग नाम उल्लेख किया गया है, और हमारे वेदों में भी इनके बारे में उल्लेख मिलता है, जन्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जगह पर, जैसे कि आर्यों के काल में ऋषभ देव को अरिष्टनेमी को लेकर जैन धर्म की परंपरा में वर्णन मिलता है। महाभारत काल में इसे नेमिनाथ के रूप में वर्णन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, या पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के जो वास्तविक और 24वें जो हुए, ये 23वें थे पार्श्वनाथ, और 24वें जो हुए थे वह थे महावीर, जिन्हें वास्तविक शासक बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का। पार्श्वनाथ काशी के इच्छाकु वंश से, जो राजा अग्रसेन के पुत्र थे, और ये कहाँ के अग्रसेन राजा थे? ये काशी इच्छाकु वंशीय थे। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में, जो पार्श्वनाथ थे, इनको 30 साल की उम्र में वैराग उत्पन्न हुआ, जिसके कारण गृह त्याग कर ये सन्यासी हो गए। और इनको इनकी दी गई शिक्षा क्या है? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, संपत्ति ना रखना, ये पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया है, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। हमारे जो वास्तविक तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, वो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जो कि महावीर जी थे। महावीर का जन्म जो हुआ था, ये 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये इनका जन्म से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कब हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, तो ये भी पूछा गया है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था, ये हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। 72 वर्ष की आयु में ये मृत्यु इनको हुआ था, ऐसे पूछ सकता है। और ये हमारे 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जी। इनके पिता जो थे सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला, इनके बारे में पूछा जाता है। ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी के राजा चेटक थे उनकी ये बहन थी। महावीर की पत्नी का जो नाम था, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रदर्शनी था। ठीक, महावीर के बचपन का नाम जो था, ये वर्धमान था, बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो बन गए। 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक भी माना जाता है संस्थापक जैन धर्म के। और यहाँ पर देखिए, महावीर की साधना जो थी, ये 12 साल तक लगभग किए थे, लगातार 12 साल 6 महीने तक किए थे तप से। और इनके ये तपस्या के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? जिन विजेता बोला जाता है, अर्थपुर योग और निर्गंध बंधहीन, क्योंकि इन्हें क्या प्राप्ति हो चुका था, तो इन्हें केवल की प्राप्ति हो चुकी थी। महावीर ने अपना जो उपदेश या प्रकृति, यानी अर्धमग्धि में दिया है, जो भी उपदेश दिया है अर्धमग्धि या प्रकृति में दिया है। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे, उनकी पुत्री के जो हस्बैंड थे, मिस की जमाली उनके पहले बने थे। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा बनी थी, जो भिक्षु बनी थी, मिस की आपको महिला में ये बनी थी, दधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था, और सबसे जो पुराने हैं सुधर्मा, ये ऐसे बच गए थे कि मृत्यु के, इनके मृत्यु के बाद भी ये जीवित रहे थे। ये ऐसा गधर्व थे जो कि इनके मृत्यु के बाद भी सुधर्मा जीवित रहे थे, महावीर मृत्यु के बाद भी। जैन धर्म जो है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया था अकाल पड़ने के कारण। श्वेतांबर जो कपड़े पहनते हैं श्वेत, और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते हैं, जो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते हैं और अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते हैं। दूसरी जो पहली जैन सभा हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी जो हुई थी ये गुजरात के 512 इसमें हुई थी, ये आपको याद रखना चाहिए। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के 3 रत्न है, 3 रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जो बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में 3 रत्न में, और ये आपको त्रिपिटक में नहीं कुछ होना चाहिए। त्रिपिटक जो है ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, 3 रत्न जो है ये जैन धर्म से। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है, जो ईश्वर की मान्यता नहीं है इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, बौद्ध में भी ये माना जाता है पुनर्जन्म कर्मवाद में। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, जो सांख्य दर्शन है वहाँ से ये अपना आध्यात्मिक विचार ग्रहण किए हैं जैन धर्म। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे, जो जैन धर्म को मानते थे, ये उदयन मंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, जो मौर्योत्तर युग में। जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है, जो जैन तीर्थकर हैं। जैन तीर्थकों को संस्कृत में सबसे अच्छा जो विद्वान थे, ये नयन चंद्र था। मथुरा कला का जो संबंध है, ये जैन धर्म से है। 72 साल की उम्र में ही ये 468 ईस्वी पूर्व में इनका क्या हो गया था? पावापुरी में मृत्यु हुआ था, 468 ईस्वी पूर्व में। ठीक, और ये जो किसके कारण हुआ था? तो ये भोजन देने के बाद राजप्रसाद कौन दिए थे? तो मल्लराज सुस्तीपाल के द्वारा दिए गए, उसी कारण इनकी मृत्यु हो गया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कौन थे? 24वें थे, और वास्तविक ही इन्हें ही माना जाता है।
जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जो जैन धर्म के अगर पूर्ण ज्ञान आ जाता है तो उसके लिए क्या है, तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जो भगवान महावीर थे या जैन धर्म के महावीर जो थे, इनके प्रथम शिष्य का ये तीन के जमात जमाली थे। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहते हैं, यहाँ पर आपसे कैसे भी पूछे आपको अच्छे से जवाब दे देना है, जैन धर्म के बारे में कुछ भी पूछता है तो। ठीक, जैसे इनके पिता का नाम पूछेगा तो ये सिद्धार्थ था जो जात्रिक क्षत्रिय थे, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी ये पूछ सकता है, 12 वर्ष की गहन तपस्या किए थे, ऋजुपालिका नदी के तट पर किए थे, नदी के बारे में पूछेगा तो ऋजुपालिका नदी के तट पर किए थे, और इन्हें एक वृक्ष के नीचे सूर्य कवल्य की प्राप्ति हुई थी, कवल्य प्राप्ति हुई थी, मिसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद हुए कवल्यिन जीन विजेता अग्नि ग्रंथ, ये सब मैंने आपको ऊपर बताया, ये सब कहलाते हैं। मौर्य काल में ही क्या हुए थे, श्वेतांबर दिगंबर दो हो गए थे, श्वेतांबर श्वेतवस्त्र, और जो मिश्र के श्वेतांबर जो पढ़ते थे श्वेतवस्त्र पहनते थे, और जो दिगंबर थे वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे। ये जैन धर्म में है, जैन धर्म में अहिंसा सत्य अपरिग्रह असत्य ब्रह्मचर्य इसे महावीर द्वारा जोड़ा गया, जो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है ये महावीर द्वारा जोड़ा गया है जैन धर्म में, जो कि 24वें तीर्थ करते हैं, और तीन रत्न किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ऐसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।